We start with the second question, 2.2. First is very important concept. Use Lenz's law to determine the direction of induced current in the situation described by the figure. A wire of irregular shape turning into a circular shape, like it is shown here. ठीक है, एक इरेगुलर शेप की वायर है, वो सर्कल में टर्न हो रही है. तो हमें बताना क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय क्रॉसेस. क्रॉसेस का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स डायरेक्टेड इन टू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, अगर ये इनवर्ड्स है तो फिर क्या करोगे आप, पाम रूल लगाइए. ठीक है, अगर आप पाम रूल लगाते हो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, डाउनवर्ड है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन क्या बनती है, करंट की डायरेक्शन बनती है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी. ठीक है, और जब वायर इरेगुलर शेप की वायर सर्कल में कन्वर्ट हो रही है तो एरिया इंक्रीज हो रहा है इसका. ठीक है, फॉर अ गिवन पेरीमीटर सर्कल हैज मैक्सिमम एरिया, सर्फेस एरिया. तो जब एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो पहले करंट को अपोज करेगा. ठीक है, पहला जो करंट है उसको अपोज करेगा बाय फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो राइट नाउ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था डाउनवर्ड्स, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर रहा था. तो इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो गॉट इट. अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है, शेप चेंज होने पे एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. बट सी इन द सेकेंड फिगर बी पार्ट में क्या होगा, अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू नैरो स्ट्रेट वायर. अब उसका एरिया कम हो रहा है, उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं. जब एरिया इन द फील्ड कम हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज. तो अब ये उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा क्योंकि एरिया डिक्रीज कर रहा है, ट्राइंग टू इंक्रीज इट. तो अब करंट भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा. तो दोनों का आंसर आपका एंटी क्लॉकवाइज. एनी डाउट यू कैन आस्क. तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट. ठीक है, कि इंड्यूस करंट अगर तो इंक्रीज हो रहा है ना एरिया, या फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ट्राइंग टू रिड्यूस द इंक्रीजिंग करंट. अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो इट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, ट्राइंग टू अपोज द प्रीवियस थिंग अगेन. ठीक है, तो दोनों केसेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेट अस कम टू 6.3. अ लॉन्ग सोलेनोइड, अ लॉन्ग सोलेनोइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर. ये नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिए हुए हैं आपको, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर. हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 cm square, has a small loop of area 2 cm square placed inside the solenoid normal to its axis. ठीक है, if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 to 4 ampere in 0.1 second, change in current is 2 to 4 ampere, मतलब 4 minus 2 ampere in 0.1 second. What is the induced EMF in the loop while the current is changing? So induced EMF kitni hai loop? How much EMF is induced in the loop? So kaun sa mamla lagega yahan pe? Bataiye. First of all, solenoid hai. Uske center pe magnetic field kya hota hai? Wo nikal lete hai. B is equal to mu naught N I. ठीक है? We will find B is equal to mu naught N I. उसके बाद EMF का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी. नेगेटिव को तो छोड़ दो, साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दैट इज डी बाई डी टी ऑफ फील्ड इनटू एरिया. ठीक है, अब फील्ड पुट करिए यहाँ पे, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन ए डी आई बाई डी टी. करंट को अंदर रख लो क्योंकि वेरिएशन ऑफ करंट गिवेन है यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ करंट इज गिवेन हियर. ठीक है,
को हम नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, किसको ईएमएफ को हमने वो मल्टीप्लाई नहीं करना नंबर ऑफ टर्म्स से, एन इंटू डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। वो तो सोलिनोइड के टर्न्स दिए हुए ना, तो वो तो सोलिनोइड का फील्ड निकाल लिया ना हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर से। अच्छा ठीक है, का फील्ड निकाल लिया हमने, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल वे से हम तो ईएमएफ निकाल रहे हैं। अब वो टर्न्स का तो अकाउंट में ले ही लिया ऑलरेडी हमने फील्ड में, ठीक है। ओके, तो अगर कोई कॉयल होता है ना, जैसे सर्कुलर कॉयल हम फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू नॉट आई ओवर टू आर, उसमें हमने एन नहीं लिया हुआ। सॉलिनॉइड में तो टर्न्स होते ही होते हैं, तो इसके फॉर्मूला में इन इटसेल्फ नंबर ऑफ टर्न्स पहले से ही। अगर सर्कुलर कॉयल है तो उसमें हमें एन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर दो। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4π × 10⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये पर सेंटीमीटर है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पर मीटर करने के लिए। एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, उसको भी मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁴। डी आई इज 2 एंड करंट टाइम इज 2.1। इसको सॉल्व कर लो, आपका ईएमएफ आ जाएगा वोल्ट में, एंड ईएमएफ का यूनिट आपको पता ही है वोल्ट होता है, ठीक है। तो चलो कर इसको सॉल्व कर लो, देखने में इजी लग रहा है बट इतना इजी है नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है बताओ, 7.54 × 10⁻⁶ वोल्ट, दैट विल बी द आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 6.4, a rectangular wire loop of sides 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of 0.3 tesla directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 cm per second in a direction normal to the longer side and normal to the shorter side of the loop? For how long does the induced voltage last in each case? आपको याद होगा जब हमने मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट किया था तो हमने किस डायरेक्शन में कौन सी साइड ली थी वो ध्यान से देखिए। ठीक है, ये था ना मोशनल ईएमएफ में वी हैड टेकन अ लूप, रेक्टेंगुलर लूप, और ये हमने एक्स लिया था एंड दिस साइड वाज एल, तो हमारे फॉर्मूला में आ रहा था बी एल वी, दिस वॉज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक आया, व्हाट इज द ईएमएफ इफ वेलोसिटी इज नॉर्मल टू लॉन्गर साइड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो इस साइड के जब नॉर्मल थी, जिस साइड के नॉर्मल होगी वो वाली साइड यहाँ पे लेनी है, ठीक है। सो नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड मतलब 8 cm। तो फर्स्ट पार्ट में आपका फॉर्मूला आएगा 8 cm आपने लेंथ लेनी है, उसको मीटर में कर लिया 0.08, ठीक है। सो यूज द फॉर्मूला बी एल वी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0.3, लेंथ इज 0.08 एंड वेलोसिटी इज 1 cm पर सेकेंड, मतलब 10⁻²⁻² मीटर पर सेकेंड। तो चलिए फाइंड करिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है इन दिस केस, फाइंड इट आउट। सो गॉट माई पॉइंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ में आपने अगर वेलोसिटी इस साइड के परपेंडिकुलर है, जिस साइड के परपेंडिकुलर वही साइड आपकी फॉर्मूला में आनी है। तो इन द फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर साइड, सो दिस वुड बी योर आंसर, एंड टाइम विल बी डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। अब टाइम जो है निकालने के लिए, टाइम इन ईच केस निकालना है, उसके लिए ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, शॉर्टर साइड ओवर द टाइम, ओवर द वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम के लिए यू विल यूज डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। सो डिस्टेंस इज हाउ मच,
टू सेंटीमीटर उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, और वेलोसिटी इज ऑल्सो 10⁻¹ सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 2 सेकेंड तो हो गया आपका डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस. एंड वॉट इज द मोशनल ई एम एफ दैट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर इन वोल्ट, इट विल बी देयर, द आंसर विल बी इन वोल्ट. तो बिल्कुल सेम वे आपने सेकेंड पार्ट कर लेना, दिस इज ए पार्ट. एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? Yes, if you have any doubts, you can ask. Clear, students? Yes, ma'am. Okay, so next question dekhte hain. 6.5. A 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through one end. Other end of rod is in contact with a circular metallic ring. Constant and uniform magnetic field of 0.5 tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? एक लेंथ ऑफ मेटालिक रॉड इज गिवन, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू वन एंड, अदर एंड इज इन कॉन्टेक्ट विद सर्कुलर मेटालिक रिंग. कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला. ये वही केस है जैसे कि एक बाइसाइकिल रिम है, उसके सेंटर और रिम के बीच में, that is rotating with angular speed omega. How much induced EMF is produced? I told you the formula, half B L square omega. The formula of induced EMF is also given by this. ये formula आपको बताया हुआ है पहले से. So let us put it here, half B L square omega. Half B कितना है? 0.5. Length is 1. And 400 is angular velocity. So just all this, calculate the EMF between center and the ring. ठीक है, ये ring हो गया और ये उसका center हो गया. तो इन दोनों के लिए ये formula use करते हैं induced EMF का. Keep this thing in mind. चलिए बताइए, what is the answer? 100 volt. Yes. So answer is 100 volt. So keep the formula in mind. एक तो E is minus d phi by dt, E is minus L di by dt, E is minus M di by dt, E is half BL square omega, E is BLV. ये सारे induced EMF के ही formula हैं. ठीक है? So keep all these expressions in your mind. Next question. 6.6. A circular coil of radius 8 and 20 turns is rotated about vertical diameter with angular speed of 50 radian per second in uniform horizontal magnetic field of 0.03 tesla. Obtain maximum and average EMF induced in the coil. If the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, calculate maximum value of current in the coil. Calculate average power loss due to Joule's heating. Where does this power come from? हाँ जी, सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल. यस, एनी आइडिया अबाउट इट? बताइए सोच के, एवरेज और मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे सॉल्व करोगे आप? हाँ जी बताओ, एनी आइडिया शिवम? ये वही है, एसी जनरेटर की थ्योरी नहीं की थी हमने? एसी जनरेटर की जो थ्योरी की थी उसके अकॉर्डिंग हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाली थी. जस्ट द डिफरेंस इन इज कि वहां पे कॉइल रेक्टेंगुलर था, यहाँ पे कॉइल सर्कुलर लिया हुआ है. नो प्रॉब्लम. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज गिवन बाय ई नॉट इज एन बी ए ओमेगा. इफ यू रिमेंबर, ये हमने थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर लास्ट आर्टिकल में किया था.
कि मैक्सिमम जो ईएमएफ होती है उसका फॉर्मूला होता है एन वी ए ओमेगा, और एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड ओवर अ कंप्लीट साइकिल विल बी जीरो. एवरेज जीरो होगी पर मैक्सिमम वैल्यू ये, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है ना, तो प्लस एन बी ए ओमेगा माइनस एन बी ए ओमेगा तो वो एवरेज जीरो आएगी, बट मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो. उसके बाद रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आप उसमें मैक्सिमम करंट भी निकाल सकते हो. यूजिंग दैट रेजिस्टेंस यू कैन फाइंड मैक्सिमम करंट ऑल्सो अल्टीमेटली, ठीक है. चलिए पहले तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो. नंबर ऑफ टर्न्स इज 20, मैग्नेटिक फील्ड इज 3 × 10⁻², एरिया इज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एंड ओमेगा एंगुलर स्पीड दी हुई है 50. तो इसको सॉल्व करके आपकी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आ जाएगी. देख लो, हैव अ लुक. मैम जब हमने मैक्सिमम करंट निकाला है वो आपने इंपीडेंस वाला फॉर्मूले से यूज किया ना? कौन सा? जो I not is equal to E not upon R लिखा है तो उसमें वो इंपीडेंस को हमने इक्वल टू R किया ना? वो AC जनरेटर वाला केस है ना, कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस, तो ये तो वो वाला केस है. इसमें तो तीन कॉम्पोनेंट ही लगे हुए LCR हमारे, इसमें तो है ही अकेला रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो I is equal to E over R, सिंपल. ठीक. चलिए उसके बाद पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस. तो एवरेज पावर के लिए अदरवाइज पी होता है, पी इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पे ई आई, और क्योंकि एवरेज है तो डिवाइडेड बाय टू, मतलब पहले इनिशियली पावर जीरो थी, बाद में ई आई हो गई तो एवरेज हो गई ई आई बाय टू, तो ये आपकी एवरेज पावर भी आ जाएगी. एंड इट इज ऑब्वियसली लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ओनली. ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. 6.7, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस एट राइट एंगल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर. अब जब वो वायर उसमें फॉल कर रही है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगेन दिस इज अ केस ऑफ मोशनल ईएमएफ. जब मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, फ्लक्स चेंज होती है, दैट ईएमएफ यू नो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, एंड द फॉर्मूला इज बीएलवी. चलो यूज करो, ए पार्ट में मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा आपका, यूज दैट, करिए यूज. अरे बताइए आंसर कितना आ रहा है. और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप बी पार्ट उसके डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, ठीक है. तो ये हो जाएगा सिंपली बीएलवी लगेगा आपका. 6.8, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड. इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, Give an estimate of self inductance of the circuit. आपने L निकालना, EMF में change दिया हुआ है, time दिया हुआ है, induced EMF due है, obviously induced EMF का formula use करेंगे, E is equal to minus L di by dt. So E is equal to minus L di by dt. This is question number 8. तो यहाँ से L निकाल लो, E dt by di. EMF is given. How much? 200 and change in current is 5 ampere and time is 0.1 second. ये आपकी हेनरी में आ जाएगी. सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी. तो ये हेनरी में आपकी ईएमएफ आ जाएगी.
ठीक है, क्लियर? देखो एक बारी आंसर बताइए। थोड़ी गले पे लटका दो, पानी डाल दो, वैसे ठीक है। और ये नेक में से होगी, चलो रह लो, चलो ये ठीक है। थोड़ा सा एक नेकलेस टाइप एक डाल, पत्ते वाला नेकलेस। यस, क्या आंसर आया? कितने हेनरी? फोर हेनरी। फोर हेनरी, यस। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी। तो अब एम आपका 1.5 है, नोट करो। इफ करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। तो डी फाइव निकालना है आपने, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ का कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, हु विल टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लाइक वी हैव दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ, क्या फॉर्मूला? एम डी आई बाय डीटी। यस, ई इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाय डीटी, सो यूज दैट फॉर्मूला। वेरी सिंपल क्वेश्चन, again it is formula based. 6.10, this question is very very important from board point of view. Board mein ye kai saal aata raha hai same question. A jet plane is traveling towards west at a speed of 1800 km per hour. ye v diya hua hai, converted into meter per second by multiplying with 5/18, to 500 meter per second ho gaya. What is the voltage difference developed between the ends of the wing having a span of 25 meter? लेंथ यहाँ पे कितनी है, विंग्स के बीच में लेंथ है 25 मीटर। इफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज द मैग्नीट्यूड 5×10⁻⁴ टेस्ला एंड द डिप एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है? तो हमें वोल्टेज डिफरेंस ईएमएफ इंड्यूस निकालनी है बिटवीन एंड्स ऑफ द विंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक एट द सिचुएशन। The situation is कि jet plane is traveling towards west. West की तरफ जा रहा है आपका जो jet plane है, वो west की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो अब ठीक है, west की तरफ जा रहा है। What is the voltage difference developed between the ends of the wing having a span? यहाँ पे भी है एक wing. तो इनके बीच में जो span है वो 25 meter है, ये length है, ये इसकी velocity है v. तो velocity is perpendicular to this side, l हो गया यहाँ पे. If Earth's magnetic field at the location has this magnitude and dip angle is 30 degree, तो Earth का जो total field है वो कितना है? एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है 30 डिग्री। टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 5×10⁻⁴ टेस्ला। अब हमें यहाँ पे अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा। V इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा। देखो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड डॉट्स हो, क्रॉसेस हो मोशनल ईएमएफ में, बट वो जो पार्टिकल थी या लूप था उसकी जो मोशन थी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही थी। तो कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अर्थ का हो नहीं सकता, वो तो पैरेलल होगा इसके वेलोसिटी के, पैरेलल होगा। हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो सकता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैन बी वर्टिकल। तो पहले वी निकालिए, ये हो गया आपका, देन मोशनल ईएमएफ इज वी एल वी, मोशनल ईएमएफ इज दिस वी एल वी। पुट द वैल्यूज,
5 इंटू 10 रेस पावर माइनस 4 साइन 30 डिग्री लेंथ 25 एंड वेलोसिटी इज 500 मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल गिव यू मोशनल ईएमएफ बिटवीन द विंग्स इन वोल्ट्स. देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मोशनल ईएमएफ का. तो आप देख रहे हो कि हमारी इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस तो मोशनल ईएमएफ के ही थे. ठीक है, नेट लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो आर मेन एक्सरसाइज इज ओवर, मेन एक्सरसाइज इज ओवर, एडिशनल एक्सरसाइज. अब ये 6.4 का कंटिन्यूएशन है. 6.4 ये था, ये रेक्टेंगुलर लूप और इतना फील्ड है और वेलोसिटी से मूव कर रहा है लूप. ठीक है, सपोज द लूप इन क्वेश्चन 6.4 इज स्टेशनरी. अब वो मूव नहीं कर रही, बट द करंट फीडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेजुअली रिड्यूस. अब करंट को हम रिड्यूस कर रहे हैं सो दैट द फील्ड डिक्रीजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ 0.3 टेस्ला एट द रेट ऑफ 0.02 टेस्ला पर सेकेंड. इफ द कट इज जॉइंड एंड द लूप हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 ओम, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड बाय द लूप एज हीट. तो हमें पावर डिसिपेटेड निकालनी है इन दिस केस. तो अब क्या होगा, अब अगर मोशनल ईएमएफ का केस नहीं है तो वो कहते हैं कि फिर आप कैसे सॉल्व करते. ठीक है, तो अब आपका करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले निकालेंगे, रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो फिर करंट निकालेंगे, करंट के बाद हम पावर निकालेंगे. ठीक है, तो अब ईएमएफ कैसे निकालेंगे, सिंपल फैराडे फॉर्मूला यूज करेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी. तो देखिए कैसे, so E is equal to minus d phi by dt, minus को रहने दो. तो ये हो गया A, phi क्या होता है B into A, magnetic field into area, A बाहर ले लो, dB by dt, ये dB by dt क्या है, change of magnetic field per unit time, जो दिया हुआ है 0.02 टेस्ला पर सेकेंड, ये दिया हुआ है. ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम गिवन है. यहां से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो, एरिया ऑफ द कॉइल कितना है, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. सो एरिया ऑफ द कॉइल इज 8 इंटू 2 इंटू 10 रेस्ट पा माइनस 4 मीटर स्क्वायर, 16 इंटू 10 रेस्ट पा माइनस 4, 16 इंटू 10 रेस्ट पा माइनस 4. और मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे वेरी कर रहा है, 0.02 टेस्ला पर सेकेंड. एक मिनट, यही थी वैल्यू. हाँ, 0.02 टेस्ला पर सेकेंड एंड रेजिस्टेंस इज 1.6 ओम. यहां से ही आपकी ईएमएफ आ गई, इमोशनल ईएमएफ, और रेजिस्टेंस इज 1.6 ओम. After you get the EMF, you will get the current by I is equal to E over R. Current आ गया, उसके बाद power dissipated, P is equal to I square R. Simple Joule's law. तो तब हम ऐसे निकालते, अगर loop move नहीं कर रही होती तो फिर हम ऐसे निकालते induced EMF. फिर motional EMF का concept नहीं होता. ठीक है, so have a look at it carefully. Let me take attendance screenshot.